वहीं अजीतगढ़ के सामान्य चिकित्सालय में पहली बार सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। अजीतगढ़ अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर ओपी वर्मा ने बताया कि नांगल निवासी माया देवी पत्नी कृष्ण कुमार अजीतगढ़ अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अजीतगढ़ अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने सिजेरियन प्रसव का ऑपरेशन मात्र एक घंटे में करके बच्ची को जन्मा। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि माया देवी को मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसके संपूर्ण जांच की गई एवं बुधवार की दोपहर उसका सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि 1.5 साल पहले माया देवी के जयपुर के जनाना अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म दिया था। माया देवी को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। माया देवी एवं नवजात बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जानकारी के अनुसार ऐसे ऑपरेशन कराने के लिए पहले अजीतगढ़ समेत क्षेत्र के लोगों को जयपुर एवं अन्य अस्पतालों की शरण में जाना पड़ता था, जिसके कारण उनको भारी परेशानी तो होती ही थी, साथ ही भारी आर्थिक भार भी सहना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा ऑपरेशन अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में होने से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर ऑपरेशन करने वाली टीम में अस्पताल पीएमओ सर्जन डॉक्टर ओपी वर्मा, डॉक्टर प्रेरणा सोनिया, डॉक्टर प्रेम बाजिया, बेहोशी चिकित्सक डॉक्टर नितिन अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष जांगीर, मेल नर्स पुरुषोत्तम सैनी आदि उपस्थित रहे। आज हमारे बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय अजीतगढ़ में पहली बार सीजेरियन प्रसव हुआ है। माया देवी जो 27 साल की महिला थी, उनके 1.5 साल पहले सीजेरियन से बच्चा हुआ था और अभी दूसरी बार सीजेरियन से प्रसव हुआ है। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते थे, उसके बावजूद भी हमारी चिकित्सक टीम ने और मरीज के परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए हमारे यहाँ पे सीजेरियन प्रसव करवाया। सीजेरियन प्रसव से फीमेल चाइल्ड हुई और अभी माता और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं और खुश हैं।